हर्षोल्लास के साथ दिल्ली के द्वारका सेक्टर 4 स्थित पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। पार्टी के सफल त्रिवर्षीय सम्मेलन पर मुकेश सिंह एवं सतीश झा ने भारत की जनता की सुख समृद्धि के लिए नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं दी एवं पार्टी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश झा एवं राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सिंह ने पार्टी के सभी सदस्यों का अभिवादन किया। इस मौके पर सतीश झा ने कहा कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी सभी पूर्वांचल राज्यों एवं देश के लगभग 15 राज्यों में चुनाव मैदान में उतारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य गांव से शहर की ओर पलायन करने वाले देशवासियों के लिए उनके गांव का सर्वांगीण विकास करना होगा, जिससे कि उनके पलायन को रोका जा सके। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश सिंह ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश का भविष्य सुनहरा हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मौजूदा आरक्षण नीति से बहुत आहत हैं। हम देश में आरक्षण नीति में पुनर्समीक्षा कर सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही आरक्षण मुहैया करवाएंगे। खासकर लोकसभा के चुनाव के लिए विधानसभा के चुनाव के लिए हमारे पूर्वांचल के तमाम राज्यों से, जैसे कि दिल्ली में तो हम सातों जगह खड़े करेंगे ही अपने उम्मीदवार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और भी जो पूर्वांचल के 14 राज्य हैं, उन राज्यों में से हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और इसके बाद में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हमारी ताकत जो है सत्य निष्ठा और हमारी सोच में जो ईमानदारी है वो है, और हम सत्ता के लालची नहीं है। आज हम जनसंख्या के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या जितनी हमारे हिंदुस्तान की बढ़ती जा रही है, वो सबसे बड़ा समस्या हमारे देश के लिए है। अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो हमारे देश में समस्या और बढ़ेगी, और जिस तरह से आए दिन कोई न कोई जाति आरक्षण के ऊपर अपनी बवाल खड़ी करती है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा और बिल्कुल निर्णय होगा कि हम आरक्षण में पुनर्समीक्षा करेंगे और जिनको जरूरतमंदों को आरक्षण की जरूरत है उनको देंगे हम, जातीय धर्म के आधार पर नहीं। अभी के लिए बस इतना ही।